हिजाब गर्ल के साथ दरअसल हुआ क्या था, उसने हिजाब का विरोध करने पर अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगाए, इन तमाम सवालों का जवाब हिजाब गर्ल बीबी मुस्कान ने न्यूज नेशन को दिया है। दिखाते हैं आपको एक सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत। हमारे साथ इस समय मौजूद है मुस्कान। मुस्कान वही छात्रा है जिसको कल कॉलेज पहुंचने पर कुछ बगवा शॉल पहने छात्रों ने घेराव किया था, क्या हुआ था उस समय में इनसे ही जानते हैं। मुस्कान ये बताइए, जब आप कल कॉलेज पहुंची थी तो क्या हुआ था वहाँ पे, क्या आपको मालूम था वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। एज यूजुअल मैं जैसे कॉलेज को जाती हूँ मैं वैसे ही गई। फिर मैं थोड़ा लेट थी बिकॉज मेरा भाई थोड़ा इंजर्ड था, सो लेट हो गई थी। मैं गई तब मैंने देखा इतना यूथ, मतलब इतने लड़के मुझे घेरे हुए थे बाहर, गेट करने भी ऐसे ग्रुप बना के मुझे बोल रहे थे कि बुरखा काट फिर तो अंदर जा, बुरखा काट हिजाब काट फिर तो अंदर जा, अगर तुझे बुरखा इतना इंपॉर्टेंस है तो तू घर चली जा, या तो फिर तू अगर एजुकेशन मतलब पढ़ना चाहती है तो तू बुरखा काट इधर ही काट फिर अंदर जा। मैं समहाउ अंदर चले गई। फिर मैं जाके जब गाड़ी खड़ा के आ रही थी वो सब ऐसे आए जैसे मुझे अटैक कर रहे थे, 40-50 लड़के थे, सब ने एकदम नारा लगाया और फिर वो शॉल लेके मेरे ऐसे मुंह के पास ऐसे सब आके नारा लगाते रहे, फिर मुझे बोलते रहे कि बुरखा काट बुरखा काट बुरखा काट, तू कॉलेज में अलाउड नहीं है बुरखे के साथ करके। फिर उसके बाद मैं आवाज उठाती, आपने भी अल्लाह अकबर कहा, अचानक कैसे आया ये? ये मतलब मैं जब थोड़ा डर जाती हूँ तो अल्लाह का नाम लेती हूँ, जब अल्लाह का नाम लेती हूँ तो हिम्मत आती है, इट्स लाइक समथिंग पावर वी गेट फ्रॉम दैट। आप उन लड़कों को जानती थी जो वहाँ पे प्रोटेस्ट करते थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे? नहीं नहीं, मैं किसी को जानती नहीं थी, लेकिन थोड़े बहुत कॉलेज के थे बट ज़्यादा आउटसाइडर्स ही थे। आप पहले भी हिजाब पहन के जाती थी कॉलेज या क्लास अटेंड करती थी, कभी किसी ने रोका? नहीं नहीं, मैं हर बार कभी किसी ने नहीं रोका, इवन मेरा प्रिंसिपल मेरे साथ है, मेरे लेक्चर्स मेरे साथ है, बोले एज यूजुअल जैसे तुम बुरखा पहन के आती हो वैसे ही आओ, ये लड़के ऐसा फसाद कर रहे हैं हम देख लेंगे करके बोला, कल तो बहुत हो गया था। और कई जगह पर भी प्रोटेस्ट हुए हिजाब इशू को लेकर और कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि हिजाब ज़रूरी है या पढ़ाई ज़रूरी है, किस हद तक आप मानते हैं क्या क्लास में हिजाब पहनना जरूरी? हाँ सर, वो मतलब ये हम सालों से पहन रहे हैं, एक इस्लाम मतलब मुसलमान लड़की हिजाब इज समथिंग व्हिच इज वेरी मैंडेटरी, सो ये किसी को राइट्स नहीं है कि हमें क्वेश्चन करे कि हिजाब काटे एंड ऑल, वो उनका कल्चर वो फॉलो करेंगे, हमारा कल्चर हमें फॉलो करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप खुद भी स्टूडेंट हैं, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं? मैं बोलूंगी कि डरना नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डरना नहीं है, कभी डरना नहीं है, कितने भी लोग आ जाए हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। और जो जिस तरह से आपका वहाँ पे माहौल बना था उस टाइम पे आपने कंप्लेंट नहीं की, उसके बाद क्या वजह थी? क्योंकि मेरे बाप से प्रिंसिपल ने बात किया कि ऐसे रिपीट नहीं होगा, और मैं किसी को जानती भी नहीं थी कि मैं किसको कंप्लेंट करूं, पुलिस भी आई उनको डंडे लगाई फिर वो वापस वहां से चले गए। और अब आप फिर से कॉलेज जाएंगी तो माहौल कैसा रहेगा कॉलेज में? पता नहीं, प्रिंसिपल ने तो वादा किया है मेरे डैड से कि ऐसा रिपीट नहीं होगा करके। और जो बाकी छात्र है चाहे वो हिजाब के अगेंस्ट हो या हिजाब के फेवर में हो, जिस तरह के माहौल बना है, एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों बाद है, क्या कहना चाहेगी ऐसे स्टूडेंट्स को? सर मैं कोई कम्युनलिज्म नहीं कर रही हूँ, यहाँ स्टेटस डाल के ना हिंदू मुस्लिम वर्सेस चल रहा है, मैं आई जस्ट लाइक हम्बल रिक्वेस्ट एवरी वन प्लीज़ डू नॉट क्रिएट दिस, आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर माई राइट्स, आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर माई एजुकेशन, नॉट फॉर एनी कम्युनलिज्म, सो यू पीपल स्टार्ट क्रिएटिंग दिस एंड लाइक यू नो फ्लरिश कर रहे हैं ऐसे वैसे नेगेटिव थाट्स, प्लीज़ डोंट डू दिस। ओके, शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। तो ये आपने सुना कि क्या कहना है मुस्कान का, क्या हुआ था उस समय पे, क्यों उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। वीडियो जर्नलिस्ट मोनिश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। और इस पूरे मामले को हाई कोर्ट की बड़ी बेंच कल दिन में फिर से उस पर सुनवाई होगी और तब जाकर के जो मामला है जो लगातार गर्माता जा रहा है उस पर कोई फैसला आएगा।